हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग इस टॉपिक पे है कि नेक्स्ट टू डेज में क्या चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बेसिकली आपकी तरफ जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है ना, वो कुछ मुझे फील हो रही है। तो इसके लिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, क्या चीज़ आ रही है। क्योंकि मुझे समाव से फील हो रहा है ना कि जैसे आप है ना लास्ट मोमेंट पे बैकआउट करने की एनर्जी है, कि जैसे आपकी तरफ ना कुछ आ रहा है लेकिन समाव लाइफ में ऐसा कुछ होते जा रहा है और निगेटिव होते जा रहा है या फिर होपलेस होते जा रहा है और आप अचानक से होप छोड़ दो, ये वाली एनर्जी है। अचानक से मेडिटेशन करना छोड़ दो, विश्वास करना छोड़ दो, ये वाली एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लास्ट मोमेंट पे होने वाला था एंड जस्ट बिकॉज आपने वो चीज़ छोड़ दी है उसकी वजह से कुछ होने के लिए रुक जाए, ये फील ना हो, इसके लिए मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ। तो बहुत उम्मीद और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या निकल के आ रहा है, मैं देखना चाहूँगी। और जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हैं, जिनके जॉब लग गए हैं वगैरह, सब चीज़ बहुत बहुत फील हो रहा है, अच्छा है। और यस, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, जस्ट थोड़ा एक इंतज़ार है, बस आपकी एनर्जी चेंज होते हुए फील हो रही है। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। तो हमेशा की तरह जब भी कैंडल जलाऊँ आप फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट कीजिए, यूनिवर्स की तरफ सरेंडर की एनर्जी रखिए ताकि आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिले। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, फ्लेम ज़रा तेज़ हो गई है एंड यस, मुझे ना एक सोल कनेक्शन की एकदम एग्जैक्ट एनर्जी, आपको 88 नंबर एंजल नंबर दिख रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है, आपकी जो यिन एंड यांग एनर्जी है वो बैलेंस होते हुए मुझे फील हो रही है। मुझे समाव ये फील हो रहा है कि ना कुछ चीज़ लाइक ना एक सीढ़ी या रास्ता टाइप फील हो रहा है, जहाँ पे मतलब एक ग्रोथ ऊपर जाने की बात हो रही है, लाइक ऊपर मतलब ऊपर वाले की तरफ नहीं, एक ग्रोथ एक अपर लेवल पे जाने की बात हो रही है। कोई चीज़ जैसे ना कंप्लीशन के कगार पे है और कंप्लीट होने वाली है। डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि वहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप में ना एक चीज़ है ना वो जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्म, सी आई कैन सी द फ्लेम, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस है ना वो अलग ही लेवल पर बढ़ने वाला है। आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि मतलब यकीन इन द सेंस कि आपको ये फिक्र नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आपको ये फिक्र है या आप इस बिलीफ पे है कि मैं क्या सोचना चाहती हूँ या सोचना चाहता हूँ। यस, आई कैन सी दैट कि मैसेजेस या न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, एक गुड न्यूज़ की तरह, लाइक ना कि एक आप जो चाहते हैं ना वो मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक कि आपकी कुछ इंटरव्यू सक्सेस जो काफ़ी अटके थे। फ्लेम काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि जिस पॉजिटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा है, लाइक ना अबंडेंस फील हो रहा है मुझे, अबंडेंस, एक मुझे ना एम्प्रेस की एनर्जी फील हो रही है, एम्प्रेस की, जैसे एक एम्प्रेस उस पोजीशन तक तब पहुँचती है कि जब ही वो ना सब मेहनत करके जमा करती है अपनी जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि कोई उठ के गद्दी पर बैठ जाता है, बट ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, एबंडेंस, खुशहाली, जो सिर्फ एक ही जगह नहीं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट या ना अजीब सी एक
कंप्लीशन बैलेंस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। नंबर टू यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना पता नहीं क्यों इन कल से या आज या उसके बाद, मतलब ये दो तीन दिनों में ट्रिपल टू एंजल नंबर या फिर ट्रिपल टू, यस ट्रिपल टू या मिरर नंबर्स या रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं एंजल नंबर की तरह, जो अचानक से आपके सामने आके ना खड़े हो रहे हैं कि भाई कुछ करो। लाइक एंजल्स जैसे कहना चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत, कोई भी चीज़ गलत नहीं होने देंगे, बस अपने आप पे विश्वास करो। मुझे स्ट्रांगली ना ऐसा लग रहा है कि स्पेशली लव लाइफ में जो आपका एक ब्रेकेज सिचुएशन है ना वो टूट रहा है, वहाँ से ना एक कांटेक्ट खुल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन खुल रही है। वो इंसान अगर आपसे एक तो कनेक्ट होने की एनर्जी है, ट्रैवल करके भी आके मिलने की एनर्जी फील हो रही है, लेकिन अगर वो वैसा नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन जिस तरह से आपका कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, ऐसा लग रहा है कि वो टेलीपैथी के लिए आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि जैसे आपको 11-11 एंजल नंबर दिखेगा तभी, और ये फील होगा जैसे कि आप कुछ कुछ और देख रहे हैं या कुछ और सुन रहे हैं या किसी और ही जगह, बट अचानक से उनका नाम दिखाई देना, सुनाई देना, ये एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आपको एहसास हो कि ये इंसान कहीं आसपास ही है या कुछ सोच रहा है या कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आपको एहसास दिला जाएगा कि यस ही और शी इज थिंकिंग अबाउट यू, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि हाई डिस्प्ले से कि उनका ना एक अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, अवेकनिंग प्रोसेस कि जहाँ पे उनको वहाँ मतलब एक आपके बारे में ना कुछ अलग ही एहसास हो रहा है कि कुछ फील हो रहा है, कनेक्ट फील हो रहा है, जिसको वो ना खुद डिनाई कर रहे हैं, अनजाने में से डिनाई कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि नहीं मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोचूं, मैं मतलब कि ऐसा नहीं है, मतलब सब गलत है या फिर कुछ हो नहीं सकता, मैंने उस इंसान के साथ गलत किया है, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यस वो अनजाने में से या जान के से, रीज़न कुछ भी हो लेकिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है, यस नेक्स्ट 3 डेज में, नेक्स्ट 2 डेज में भी आपको कुछ उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड या जॉब सिचुएशन रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ है वो मिल सकती है। मुझे लगता है ना कि आपके जैसे ना सवालों के जवाब आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन मार्क बन रहा है तो मुझे लग रहा है कि जैसे और फ्लेम जैसे फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मूनोलॉजी का कार्ड है कि आंसर यू नीड आर दैट यू नीड आर कमिंग, ये वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी फील हो रही है कि जहाँ पे एक मैरिज कमिटमेंट फाइनेंशियल अबंडेंस वो भी फील हो रहा है, लाइक यस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फील हो रही है। कमिटमेंट और मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, हर एक के साथ अलग सिचुएशन रिजोनेट हो, बट समो ऐसा लग रहा है कि जो भी मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम भी है वहाँ पे भी सोल्यूशन फील हो रहा है। मुझे अगेन ये बेबी दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि देर इज़ अ चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी या कोई रिलेटेड टू बेबी कुछ चीज़ हो। यस बार बार फील हो रहा है कि 3 नंबर है, 3 डेज 30 डेज 8 नंबर डबल 8 डेज में कुछ भी 8 नंबर जिस तरह से फॉर्म यिन एंड यांग की एनर्जी जिस तरह फॉर्म हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये चांसेस आर देयर। मुझे बेबी की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, देर इज चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी या कुछ तो एक मतलब नई स्टार्ट है, कुछ उम्मीद है, जैसे कि मेरी रीडिंग में जब आया था तो मुझे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मौका मिला था, तो वैसे भी आपके साथ कुछ हो सकता है कि कोई नई आइडिया हो, प्रोजेक्ट हो आपके पास, वो एक चांसेस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं।
मुझे टू नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लाइक ट्रिपल टू आपको समहाउ कुछ वजह से दिख रहा है. यस देयर इज अबंडेंस, लाइक यस आपको ना वीनस रिलेटेड या शुक्र ग्रह रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए आपको बहुत ज़्यादा. लेकिन ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स को नहीं इम्प्रूव करेगी, आपके जो फाइनेंसेस है, आपके जो मतलब आपके लाइफ में जो सुकून या एक लग्जरी या एक मतलब ना एक मिसिंग है, वो वाली एनर्जी है. आपके सवालों के जवाब तो आ रहे हैं लिटरली, मतलब कोई आके ऐसे ना क्लियर करना चाहेगा या कुछ बात क्लियर होगी, बात क्लियर होगी. ब्लॉकेजेस हट रहे हैं. अगर आपने ब्लॉक किया है तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको कॉल कर सकता है, मतलब अगर मैसेज नहीं कर सकता तो सामने से नॉर्मल तरीके से कॉल कर सकता है, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है. एनर्जी जिस तरह से मोमेंटम पकड़ रही है, तो डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि इस ये मार्च मंथ है ना काफ़ी लोगों के बारे में, लाइक ना मुझे चांसेस आर देयर मोर देन 50% लोगों को ये रीडिंग में ना पॉजिटिविटी की जो एनर्जी है ना उसका रिजल्ट मिलने वाला है अपने अपने हिसाब से. जैसे कि अगर लव लाइफ पे प्रॉब्लम है तो वो एक चीज़ है. बहुत खूबसूरत सा डक फील हो रहा है. डक की स्वैन फीलिंग है, डक डक की फीलिंग है. मुझे लग रहा है यस देर इज़ अ फाइनेंशियल अबेंडेंस और लव लाइफ में खास करके एक पॉजिटिविटी आ रही है. ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे. कमिटमेंट मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लिटरली नेक्स्ट 8 आवर्स में भी कुछ हो सकता है. नेक्स्ट 8 आवर्स जब भी ये रीडिंग आपके सामने है, नेक्स्ट 8 आवर्स में कुछ कम्युनिकेशन या कुछ ऐसा रिलेटेड फील हो सकता है जहाँ पे कुछ पॉजिटिव फील हो. लाइक ना मुझे समाव एक फीलिंग है ना, एक जैसे ना एक मैसेज चैनल हो रहा है जैसे यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर ऑन राइट पाथ, यू आर ऑन राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हो, बस छोड़ो मत. ये जो आपने मतलब अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ऐसा लग रहा है कि चलो आपको होप हो गया है कि बस ये सब चीज़ें काम नहीं कर रहे, थक गया मैं, थक गई मैं, ऐसा वाला फीलिंग हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट होप मत छोड़ो, होप मत छोड़ो. बहुत फील हो रहा है कि ये जो फ्लेम है ना, बहुत जिस तरह से मुझे एक पॉजिटिव वाइब दे रही है, मुझे लगता है कि आपको ये पॉजिटिव वाइब फील होनी चाहिए. यस यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिव और फाइनेंसेस हर चीज़ में ना अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है. अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी हर चीज़ में, फिर वो लव लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंसेस हो, कोई भी चीज़, जैसे आप मैग्नेट बन रहे हो और आप हर चीज़ को पुल कर रहे हो. यस यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स. तो बहुत पॉजिटिव अबंडेंस फील हो रहा है मुझे. फ्लेम जिस तरह से मुझे बार 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 कह रही थी ना, 8 नंबर यिन एंड यांग एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है. डक डक की डक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बीबीज फील हो रही है. लेकिन कुछ न्यू ग्रोथ, न्यू बिगनिंग वो भी फील हो रही है मुझे. कुछ डेथ जो है, मतलब कुछ टूटने वाला है जो आपकी लाइफ में बनने के लिए बना नहीं था, लेकिन होने के लिए नहीं बना था, ज़रूरी नहीं था, उसका एक वक्त था जो ख़त्म हो गया. अभी नई शुरुआत है, एक नई ज़िंदगी है, एक नई खुशियाँ है, वो वाली फीलिंग है. लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे. सी सीरियसली अबंडेंस
मैंने कहा ना, यही फीलिंग है आपके सामने कार्ड, वही वीडियो कट नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, आपके सामने मैंने अभी बोल रखा और अभी ये कार्ड आया है, अबेंडेंस। सो आप लोग अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मैग्नेट बन रहे हो, आप मैग्नेट बन रहे हो। और एक कार्ड ट्रस्ट, ग्रेट, ट्रस्ट यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप राइट पाथ पे हो, सरेंडर करो यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर, अपनी ऊपर ध्यान दे दो, बस सॉल्यूशंस आ रहे हैं। क्या बात है सच में, यस ग्रेट, मजा आया है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपना जो कंफर्ट जोन बना के रखा है ना नेगेटिविटी का, कि बस मेरी लाइफ ख़राब है, कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ उससे बाहर निकले, मेडिटेशंस कीजिए, आपके लाइफ में अबेंडेंस आने को है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशंस रनिंग हाई मतलब कोई भी चीज़ है ना, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम का मुझे वाइब्स दे रहा है, जबकि ये कार्ड वैसा है, बट मुझे लग रहा है कि यस सब कुछ ना बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। आप किसी भ्रम में हो, उस भ्रम से निकलो और अबंडेंस को अट्रैक्ट करो, क्योंकि वो आपके लाइफ में आ रहा है। इसीलिए तो मुझे फील हो रहा है कि ये रीडिंग होना ज़रूरी था, और वो भी इंट्यूशंस के थ्रू। यस अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, डेफिनेटली, ट्रस्ट यूनिवर्स, ग्रेट। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।